नमस्ते स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज है आपका ट्वेंटी एथ ऑफ़ मार्च सो फिर से मैं आ चुका हूँ यहाँ पे मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ धोबड़ा दिखा रहा हूँ आपको सो आई होप ये वीडियो आपको और भी बेटर लगेगा एंड uh, जो है मतलब ड्यूरेशन मैं सुबह सुबह वो बनाता हूँ क्योंकि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो uh, मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ वही मैं रिकॉर्ड करके वो अपडेट कर देता हूँ तो यहाँ पे अभी जो है uh, मैं थोड़ा तो सा डिटेल्स में बात करूँगा जो भी आपका मार्केट में न्यूज़ है नहीं है किस चीज़ पे हमें फोकस करना नहीं करना विल बी टॉकिंग अबाउट दिस विल बी अंडरस्टैंडिंग and how we can actually make good amount of money. So let's get started with the whole thing altogether. So India to see dramatic rise in FDI over tech, uh, next टेन years. तो so, यहाँ पर जैसे हम हमें ऑलरेडी पता है आपको क्या ये नया चीज़ लग रहा है एक्चुअली नहीं ये आपका हो नहीं पा क्योंकि जो अभी मार्केट का हालत है या पूरे वर्ल्ड का जो हालत है वो वो हमें देखना पड़ेगा वो हमें समझना पड़ेगा दैट चाइना चाइना इज राइट नो सफर मिड ईस्ट में आप इंडस्ट्री मूव नहीं कर सकते है. बहुत सारे इश्यू हैं चाइना से आपको मूव करना पड़ेगा ठीक है चाइना से आपको मूव करना पड़ेगा बिकॉज यू एस यू के और जितने भी सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो रशिया रशिया और चाइना को बेसिकली अवॉइड करना चाहते हैं उसको रिप्लेस करना चाहते हैं चाइना का जो है मैन्युफैक्चरिंग में मनोपली हो गया है तो अभी जब आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपने सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आपको एक सेकेंडरी ऑप्शन चाहिए होता है बैकअप चाहिए होता है तो वो चीज़ आपका बैकअप कहाँ पे दिख रहा है बैकअप आपका इंडिया में दिख रहा है बिकॉज इंडिया इज़ अज मार्केट इट सेल्फ एंड ऑल्सो यहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है एक ह्यूज पॉपुलेशन है जिसको आप लेवरेज कर सकते हैं लो कॉस्ट लो, लो लेबर है अगर आप वियतनाम इवन आप नेपाल को अगर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इंडिया का एक स्ट्रैटेजिक पोजिशन है स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है कि आपका जो कोस्ट लाइन है हमारा ये जो इतना बड़ा कोस्ट लाइन है इसको हम लेवरेज कर सकते हैं और फिर अगर आप नेपाल को देखते हैं वो लैंड लॉक है भूटान को अगर देखते हैं लैंड लॉक है, है। इंडोनेशिया को अगर देखते हैं वो चेन ऑफ आईलैंड है तो उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते अगर हम थाईलैंड uh, को देखते हैं थाईलैंड का भी जो स्पेस है अगर हम जियोग्राफिकल एरिया अगर हम देखते हैं वो भी उतना अच्छा नहीं है पर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो वियतनाम में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी ये बहुत ज़्यादा जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे सो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडोनेशिया फ्रॉम जो नियर बाई आईलैंड है Uh, आपके इंडिया से जो है वो माइग्रेशन करेंगे एंड ऑस्ट्रेलिया स्लोली एंड विल बिकम बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अगर हम देखें वो एक टापू है उसका एक सर्दर्न सर्दर्न पार्ट और जो सर्दर्न पार्ट है और ये वाला जो ईस्टर्न आई थिंक uh, वेस्टर्न और ईस्टर्न वाला पार्ट है वही एरिया जो है आपका पॉपुलेटेड है बीच वाला जो एरिया है Uh, उसमें जो है ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है या कोई भी पॉपुलेशन नहीं है तो इस जगह पर स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे, पे आप देखोगे इस एरिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली पॉपुलेशन ग्रो करेगा और बहुत सारे इंडियन जो है वो वहाँ पर जाके सेटल हो रहे हैं बहुत सारे चाइनीज जो है वहाँ पे जाकर सेटल हो रहे हैं सो दैट्स समथिंग विच वी नीड टू लुक इन टू और इसी के साथ साथ अगर आप इस शेयर पे नहीं है तो लाइक कर दीजिए ना लाइक करने में क्या दिक्कत होता है uh, लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू बैंक सेट टू पायलट डॉलर क्लियरिंग सेटलमेंट एट आई एफ एस सी

ऑल्सो स्क्रैप्ट स्क्रैप्ट है ओके चौदह हजार करोड़ रेस करना चाहते थे बाई एस बी आई एल आई सी सो अभी यही आपको देखने को मिलेगा कि एल आई सी एस बी आई या जितने भी पी एस यू बैंक है उससे जो है ये लोग पैसा नहीं उठाएंगे मे बी ये करेंगे कि वो बॉन्ड डिक्लेयर करेंगे बॉन्ड डिक्लेयर करेंगे बॉन्ड में जो है फिर वो बोलेंगे कि आप लोग जो है पार्टिसिपेट करो आप इसको परचेज करो तो उसमें क्या है कि लोन लाइबिलिटी नहीं होती है लोन लाइबिलिटी नहीं होती है और आपका एल को जो है फिक्स्ड इनकम मिलता है एस को फिक्स्ड इनकम मिलता है बट थोड़ा सा अनसर्टेन होता है बट अडानी ग्रुप वही करेगा अडानी एफ़ के माध्यम से पैसा उठाना चाहता था अडानी जो है वो एफ़ के माध्यम से आपका एफ़ के माध्यम से वो पैसा उठाना चाहता था बट यहाँ पे वो क्या करेगा वो ये करेगा कि भाई वो बोलिएगा कि मैं बॉन्ड निकाल रहा हूँ क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही अनस्टेबल है वो एल आई सी आबूधाबी Uh, जो है इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं एस या बाकी जो आपके uh, अगर जे पी मॉर्गन ये लोग अगर डालना चाहते हैं जे पी मॉर्गन एंड आपके कैनेडियन बदसा का प्रेम बदसा या प्रेम बच्चा का जो है वो लोग अगर इसमें बॉन्ड में पैसा डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ले सकते हैं सो दिस इज समथिंग विच दे कैन लुक एंड ग्रेजुअली अडानी क्योंकि केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है केपेक्स में आपको पैसा चाहिए होगा एंड दिस इज हाउ दे कैन डू इट और यहाँ पे पॉलिटिशियंस लोगों का भी जो प्रॉब्लम हो रहा था वो भी नहीं होगा न्यू होटल साइनिंग्स लाइकली टू राइस अमिट ग्रोथ इन ऑक्यूपेंसी सो अगेन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग ओके सो अडोबी इंडिया का स्पेस जो है पुश कर रहा है केपेक्स में क्रॉस थ्री परसेंट ऑफ जी एस डी पी ठीक है स्पेस जो है चलो बहुत बढ़िया है ऐसे ही बोल देते छोड़ दो जाइए आपकी जरूरत नहीं है जयंती चौहान ट्रुस्टियर बिस्लरी मे बी वी कैन सी यहाँ पे अडानी माइट कामेंट द प्ले और ब्रेक बिलो सेन थाउजेंड कैन टेक निफ्टी बाई थर्ड थ्री हंड्रेड पॉइंट तो आज मैं जब मार्केट में घुस रहा था तो कोचिंग वाले में आज जो है मैं लाइव ट्रेड कर रहा था बट मैं लाइव आ नहीं पाया तो बॉलेज फॉर दैट अगर आपको ये लाइव ट्रेड वाला सेशन अच्छा लगता है तो मुझे बताइएगा तो यहाँ पे कुछ पैटर्नस है जो आपको समझना पड़ेगा तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड्स आज जो है लिया जा सकता था वो ये है कि ये वो ये एक पॉइंट था जहाँ पे आ, मैंने प्लान किया था एंट्री करने का बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज मैं आज ट्रेड नहीं कर पाया नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से बट मैं मोइडा कर रहा था यहाँ पे इसलिए मैं लाइव भी नहीं कर पाया था तो यहाँ पे जो है एंट्री कर सकते थे आज बहुत अच्छे से वो हिट करता बट ऑल्सो यहाँ पे एक ब्रेकआउट uh, हुआ था बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया फिर आप जो है <coughs> आपका जो है साइड मूवमेंट चल रहा था यहाँ पर साइडवाइज मूवमेंट चल रहा था साइडवाइज मूवमेंट चलते 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 यहाँ पे भी जो ऑलरेडी uh, हमने यहाँ पे सुबह जो हमने uh, आपका Uh, and वाला जो हमने बना दिया था उसी के बीच में ये जो है चल रहा था। और को भी अगर हम देखें, इस पॉइंट में, में आज इस पॉइंट में कोई भी वॉल्यूम नहीं था वेरी वेरी एक्साइटिंग एंड उसी तरीके से अगर हम देखें लेट मी जस्ट डिलीड दैट तो यहाँ पे भी कोई वॉल्यूम नहीं था बट लास्ट में जो है बहुत अच्छा यहाँ पे पंप एंड नम्प हुआ है सो so, कल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपका जो है मार्केट रिकवर करेगा मतलब ये स्टॉक रिकवर करेगा एंड इट विल गो अप सो समथिंग अगर आप कोचिंग शिप यार्ड में डालना चाहते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं आर वी एन एल का भी जो है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं आर वी एन एल का भी जो हमने लिमिट देखा था वो हमने देखा है बट लास्ट में बहुत अच्छा इसने स्पाइकअप दिया हुआ है बहुत अच्छा स्पाइकअप दिया हुआ है अगर हम देखें यहाँ पे आ, नियर अबाउट

गेल ये सारे जो है इनके बहुत सारे खस्ता हालत हैं तो तीन सौ पॉइंट का करेक्ट होगा नहीं होगा मुझे बताएगा बट आई डोंट थिंक ये ये आपका ओवरव्यू चलता रहेगा ऑलरेडी मैंने एक महीने पहले ही बता दिया था कि अभी जो है वीक मंथ एंड तक जो है आपको अच्छा सा इरोजन स्लोली एंड ग्रेजुअली इरोजन पैनिक सेलिंग आपको नहीं दिखेगा बट इरोजन आपको देखने को मिलेगा बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल बी टेकिंग आउट मनी करेक्शन सिंस जनवरी निफ्टी पी डाउन टू मनीशन ईयर एवरेज सो चलो तो आपको फेयर वैल्यू में मिल रहा है सामान क्या प्रॉब्लम है स्टॉक अगर आपको फेयर वैल्यू में मिल रहा है प्रॉब्लम क्या है बिग वॉल स्ट्रीट फंड क्लिंग ऑन टू एमरजिंग मार्केट्स इन बैंक क्राइसिस तो वही होने वाला है एंड यहाँ पे सिर्फ मेनली जो आपका पैसा आएगा पैसा कहाँ पर आएगा पैसा आएगा इंडिया में मिडल ईस्ट में इसलिए आप देखोगे मिडिल ईस्ट में बहुत पैसा आ रहा है इंडिया में पैसा आ रहा है वियतनाम और आपके जो चाइना है चाइना में उतना पैसा नहीं आएगा चाइना में क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वो पैसा ब्लॉक करना शुरू कर दिया है चाइना में नहीं जाएगा वो इंडिया में आएगा ठीक है वियतनाम में आएगा मिडल ईस्ट में आएगा मिडल ईस्ट में वो क्या करेंगे विल बी ट्राइंग टू इन्वेस्ट थ्रू दी जी सी सी जो जितने भी बॉडीज़ हैं उसके माध्यम से वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे ई से जो है वो पैसा निकलेगा कैनेडा से पैसा निकलेगा यू से पैसा निकलेगा एंड ऑल्सो कुछ कंट्रीज हैं जैसे ब्राज़ील हो गया विच स्टेबल ब्राज़ील ये सारे मार्केट में स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है मैक्सिको में शायद से होगा बट अगेन नॉट वेरी दैट मतलब जितना उतना आउटलोट नहीं होगा बट इट विल मूव मोस्टली इंडिया एंड वियतनाम वी प्लान टू डू अ लॉट मोर इन इंडिया गोवेंद साइज ऑफ़ द मार्केट एंड इस ग्रोथ मेन मेनली वही आएंगे कि डोमेस्टिक uh, मार्केट को पकड़ने के लिए बट यहाँ पर आपको पैसा कमाना है यहाँ पर आपको पैसा कमाना है फॉरन इन्वेस्टर रश टू बुक प्रॉफिट वैकेंडरी शेयर सेल्स शेयर सो वही है फिरंगी इन्वेस्टर मैंने ऑलरेडी uh, मंथ स्टार्ट में बता दिया था कि फिरंगी इन्वेस्टर जो है मंथ एंड तक पैसा निकालना शुरू करेंगे बट यहाँ पर पे चिंता हो वैसे चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि रीज़न बिकॉज क्यों रीज़न इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके म्यूचुअल फंडस हैं जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो भी देसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो भी आपका अगर गवर्नमेंट भी अगर इन मतलब आ, जो है पैसा डालना चाहता है वो डाल सकते हैं so, सो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं दैट इज़ म्यूचुअल फंड यू नो इंश्योरेंस कंपनीज डीआईआई जो है वो बहुत अच्छे से जो है इस मार्केट को अभी परचेज करेंगे तो अभी जिसको लॉन्ग टर्म गेम खेलना है वो परचेज़ करेगा बहुत सारे फिरंगी इन्वेस्टर्स एफ या एफ जो है फिरंगी इन्वेस्टर जो है वो भी डालेगा पैसा बट वो फिरंगी इन्वेस्टर्स क्या करेगा मनिपुलेट करेगा मेनुपुलेट करेगा मार्केट को क्यों मेनुपुलेट करेगा रीज़न बिकॉज उसको चाहिए क्या चाहिए उसको अपने इन्वेस्टर को रिटर्न उठा के देना है और अभी हर जगह पे मार्केट जो है मतलब मार्केट गिर रहा है चाइना में आप पैसा डालोगे चाइना से पैसा निकाल नहीं सकते सो इंडियन मार्केट को वो क्या करेंगे वो हल्के से वो मेनुपुलेट करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मेनुपलेट करने की कोशिश करेंगे तो अगर मैं देखूँ अगर इस लेवल पर जा रहा है इस लेवल पर आएगा इस लेवल पे जा रहा है इस लेवल पर आएगा मतलब ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही मूव करेगा बट दे विल बी एन ऑफ सेड यू विल सी दैट यहाँ से अगर यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे आप देखोगे आप तीन परसेंट का करेक्शन देखोगे कभी आपका दो परसेंट का करेक्शन देखोगे कभी आप पाँच परसेंट का करेक्शन देखोगे इतना करेक्शन क्यों हो रहा है इतना करेक्शन इसलिए हो रहा है बिकॉज सममन इज ट्राइंग इज बेसिकली डूइंग पम्प एंड डम्प वो लार्ज स्केल में ही होगा लार्ज कैपिटल से ही होगा क्योंकि आपको मार्केट को मोनिपुलेट करना है तो मार्केट को मोनिपुलेशन कौन कर रहा है फिरिंग इन्वेस्टर कर रहा है पैसा किसका लूज हो रहा है जी हाँ पैसा लूज हो रहा है रिटेल वाले का तो आपको अपना पैसा बनाना है पैसा गवाना नहीं है

डॉलर को मार्केट से निकाल रहे हैं सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस विल हैपन रीजन बिकॉज क्योंकि वही है डिमांड एंड सप्लाई अगर डॉलर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा तो भाव बढ़ेंगे भाव बढ़ेंगे तो कि सबसे ज़्यादा ऑयल का प्राइस जो है वो अफेक्ट होगा एंड अगेन दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया और ग्लोबल मार्केट क्योंकि ऑयल का प्राइस जब बढ़ेगा रशिया के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने कैप लगा के रखा हुआ है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है इंडिया चाइना यूएसए और यूरोप यूरोप जो है वो चाहे आपका रशिया से लेगा यूएस इधर उधर से ले लेगा इंडिया जो है वो रशिया से लेगा चाइना जो है वो इंडिया से लेगा वो सॉरी रशिया से लेगा uh, जो जो हमने एक्सपेक्ट किया था दैट इज हैपनिंग एंड एक्चुअली आई एम वेरी ग्लैड दैट दिस इज हैपनिंग कैंसिलेशन हो रहे हैं मिड लो डिमांड क्योंकि महिंद्रा का सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा महिंद्रा का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगा महिंद्रा का क्यों क्योंकि उसका ऑलरेडी उसने स्केल अप करके रखा हुआ है उसका बोल रहे थे एक ईयर का थार का ये डिलीवरी एक्स का डिलीवरी आप देखोगे बाद में उसका इतना स्टॉक पाइल होने वाला है दैट आपको बहुत सस्ते में मिलने वाले थार एक्स यू वी फिर स्कॉर्पियो एन बहुत सस्ते में मिलेगा ये ऑलरेडी मैंने आपका लास्ट ईयर दिसंबर में बता दिया था ये सीन होने वाले हैं ट्वेंटी परसेंट आपके कंसलेशन हो है विच इज गुड विच इज गुड नॉट गुड फॉर द इंडस्ट्री बट इट इज गुड फॉर सोसाइटी बिकॉज सर सारे जो है वो डेट ड्रिवन होते हैं, डेट ड्रिवन होते हैं, तो डेट जो है वो कंजेंशन ऑफ डेट विल बी लेस इंश्योरेंस का जो है इंश्योरेंस बिजनेस विल थोड़ा सा डेंट होगा जो राइज लोगों ने बताया था फोरकास्ट फोरकास्ट बताया था वो नहीं होने वाला है

टैक्स uh, जो भी अगर गाड़ी खरीदते हो ना लग्जरी व्हीकल उसके उसके ऊपर आप नियर अबाउट फिफ्टी परसेंट और जो इंपोर्टेंट व्हीकल है उसमें हंड्रेड परसेंट आप टैक्स देते हो यानी अभी डेढ़ करोड़ का गाड़ी जो आप परचेज करते हैं वो एक्चुअली उसका दाम है पचपन लाख यूरोप में अगर आप उसको खरीदते हैं यूपीएस टेक टेकओवर स्मॉल अराइवल क्रेडिट सो इन बेट टू काम द मार्केट सो अगेन इससे कुछ नहीं होने वाले यहाँ पर यूपीएस में भी आप बैकेंड में देखो कि साउदी और जो गल्फ का मनी है दैट दैट इज विल बी प्लेइंग अ वेरी बिग रोल भाई जो ज्यादा पैसा दे रहा है एंड रीफाइनेंस करने वाले हैं अडानी सो so, अडानी में अभी पैसा डालना बंद कीजिए अभी लॉन्ग टर्म तो खेलना नहीं है शॉर्ट टर्म भी अगर आप खेलना चाहते हैं तो शॉर्ट करना पड़ेगा आपको अडानी को गाड़ी कोई परचेज नहीं कर रहा है चार साल का एकदम हाई पे चल रहा है विच इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड नाइस इज नॉट पिनलाइज बट लेट बैंक डील विथ इंडिया सी ओके देख सकते हैं क्योंकि तो वहाँ पे अगर बैंक जो है वो बैंक हो जाते हैं तो इंडिया इंडिया में जो इनफ्लो आने वाले हैं आउटफ्लो का तो कोई इशू नहीं है सोचिए कि यू से आपको पेमेंट आने वाला है वो बैंक जो है वो बैंक हो चुका है या आपका बस्ट हो चुका है तो वहाँ पे पैसा आपका अटका हुआ है क्योंकि वो अकाउंट फ्रीज हो गया तो वहाँ से आपका इंडिया में सी, -सी जो है उसके काउंटर पार्टी जो होती है वो आपको अब यहाँ से आप पैसा निकालने वाले हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वहाँ से यूरो आने वाला था वो रुपये में कन्वर्ट होकर आपका आपके पास आने वाला था वो पैसा आपके पास आएगा नहीं सो दैट विल बी दट विलेशन ये तो एक्चुअली मैं इसके साथ पूरी तरीके से अग्री करता हूँ इंडिया इज़ आई टी सेक्टर टू तो गेन फ्रॉम ग्लोबल क्राइसिस ये तो डेलीगेशन ऑटोमेशन में हर मतलब कितने महीने से मैं बोल रहा हूँ मुझे तो याद भी नहीं है मैं बात करता तो मैं बात करता हूँ डेलीगेशन एंड ऑटोमेशन के बारे में डेलीगेट होगा इंडिया में ऑटोमेशन होगा बाहर में सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ज्यादा उसमें न्यूज नहीं है वही बेसिकली पॉलिसी ये सारी चीजें ज्यादा कुछ न्यूज़ होगा तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा थैंक यू फॉर वॉिंग दिस वीडियो कोई भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं आप हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं uh, जहां पे इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय जय हिंद स्वस्थ रहिए मस्त रहिए एंड या बाय बाय आई सी यू टुमारो